आपको फ्री टाइम मिलेगा उस वक्त आप कोर्स को कंप्लीट करके सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, पर इनरोल कर लीजिए। और थोड़ा भी अच्छा लगेगा वीडियो वो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो 2 नंबर के कोर्स की तरफ मैं जाना चाहूँगा। 2 नंबर का कोर्स है लर्न गूगल फॉर्म का कोर्सेज है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 घंटा का होने वाला है, 4.2 का रेटिंग है। उसके बाद देख सकते हैं 3rd नंबर का कोर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेक्टर का स्टूडेंट हो ये कोर्स कर सकते हैं। आपको एक्सेल के बारे में बेस्ट फार्मूला सब सिखाया जाएगा, फंक्शन सब के बारे में। उसके बाद 4th नंबर का कोर्स देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेक्टर का स्टूडेंट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के बारे में आपको बिगनर से ही एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा, तो ये कोर्स ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। उसके बाद 5th नंबर का कोर्स देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, आपको एडवांस एक्सेल के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद 6th नंबर का कोर्स देख सकते हैं, लर्न सबलाइन टेक्स्ट 3 का कोर्सेज है। 7th नंबर का कोर्स देख सकते हैं, लर्न बेसिक किट हब के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद 8 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, ओपन ब्रॉडकास्टर का कोर्सेज है, तो ये भी ठीक ही है। उसके बाद 9 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, HTTP का कोर्सेज है। उसके बाद 10 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, मैक टर्मिनल का कोर्सेज है, जो 1 घंटा का होने वाला है। उसके बाद 11 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल मेलिंग के बारे में सिखाया जाएगा, तो ये कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी सेक्टर का स्टूडेंट हो ये कोर्स कर सकते हैं आप। उसके बाद 12 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, फॉरेक्स के बारे में सिखाया जाएगा आप सबको। उसके बाद 13 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कैसे सिखाया जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है कोर्सेज। उसके बाद 14 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, OBS स्टूडियो है, जिसमें आप लाइव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके बारे में आपको अच्छा से सिखाया जाएगा, गाइड किया जाएगा। उसके बाद 15 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, हाउ टू लर्न अ फोटोग्राफी के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, कंप्लीट 3i टाइम मैनेजमेंट का कोर्सेज है। उसके बाद 20 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, आपको वेबसाइट एप्लीकेशन के बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद 18 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद 19 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, CSS रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में सिखाया जाएगा आप सबको, तो 1.5 घंटा का होने वाला है कोर्सेज। उसके बाद 20 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, आपको कंप्लीट MBA कोर्सेज है, इसमें आपको मार्केटिंग और बिजनेस कैसे किया जाता है इसके बारे में स्ट्रेटेजी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद 21 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, फोटोशॉप प्रो 100 के बारे में सिखाया जाएगा आप सबको, सॉरी ये रिपीट हो गया कोर्स। 23 नंबर का कोर्स द इंटरमीडिएट पाइथन ट्रेनिंग का कोर्सेज है, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता है आप सबके लिए। उसके बाद 24 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है आप सबके लिए, जावा स्क्रिप्ट के बारे में सिखाया जाएगा। 25 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा कैसे आप मार्केटिंग में पैसा कमा सकते हैं, मार्केटिंग में इसको बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। उसके बाद 16 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, मास्टर जॉब सर्चिंग का कोर्सेज है, तो ये भी बहुत अच्छा हो जाता है, कितने आदमी बेरोजगार रहते हैं जॉब नहीं पा सकते हैं, वो भी पाते हैं तो अप्रोप्रिएट ठाउँ पर उसको जॉब नहीं मिलता है, उसीलिए ये कोर्स कर सकते हैं आप। इसको बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कैसे कैसे जॉब सर्चिंग किया जाता है। उसके बाद 17 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, हारमोनिया गैस के बारे में सीखा। उसके बाद 18 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, पर पेनियो फ्रिक्वेंटली कैसे बजा सकते हैं इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद 29 नंबर का कोर्स देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, आपको जावा के बारे में सिखाया जाएगा, वो भी 0 से आपको एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर का कोर्स जो 30 नंबर का कोर्स है, ये कोर्स देख सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो आपको जावा से प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोर्स है ये सिखाया जाएगा आपको, 2.5 घंटा का होने वाला है कोर्स। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।